www.attableek.com, the reviver of Iman. نقطۂ نظر سے شریعت مقدسہ نے
हलाल कमाई को जरूरी करा दी। चुनांचे हदीस है, कस्बुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, यानी रिज़्क़े हलाल का कमाना और हासिल करना ये फरीजों के बाद का फरीजा है, यानी पहले इबादत का फरीजा है, बाद में सेकंड नंबर का फरीजा है अपनी औलाद को हलाल लुकमा खिलाना। और लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। आप कितना भी जिक्रुल्लाह कर रहे हो, इबादतें कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, लेकिन पेट में अगर हराम माल पड़ा हुआ है तो ये जिक्रुल्लाह की नतज मुरतब नहीं हो, ये इबादतों का हासिल कुछ भी नहीं होता। इसलिए मशायत नक्शबंद सबसे ज्यादा तवज्जो इस पर देते हैं कि रोजी इंसान जो हासिल कर रहा हो उसके सोर्सेस को देखे कि वो हराम ना हो। और पाकीज़ा चीजें खाने का हुक्म नबियों तक को है। रसूलों को किताबें, ऐ रसूलों, रसूल तो अल्लाह का फरिश्ता होता है और रसूल का आलम यह होता है कि वो दूसरे इंसानों से बहुत पराकर होता है, उसमें वो तमाम कमालात होते हैं, वो खूबियां और वो सिफात होती हैं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उसे नबूवत और रिसालत से रहता है। नबी के कमालात की अजीब है। हम अगर सो जाएं और नींद आ जाए तो हमारी नींद से वजू टूट जाएगा। मसला बयान किया है कि बैठे बैठे एक आदमी सो रहा है, बावजू है, वजू नहीं टूटता, नमाज तक पढ़ा है और सो रहा है। बहुत से लोगों को मैंने देखा खड़े खड़े भी सोते हैं, नमाज में वजू नहीं टूटा, सजदे में नींद आ गई, वजू नहीं टूटा, लेकिन इस तरह बैठा है टेक लगाकर के वो टेक अगर हटा दी जाए और ये धड़ाम से गिर जाए तो वजू टूट गया। अब कोई यूं कहे कि मुझे यकीन है कि कोई चीज खारिज नहीं हुई तो वजू कैसे टूटा, कहो एहतमाल है। लेकिन नबी के सर्राटे निकल रहे हों उसका वजू नहीं टूटा, उसका वजू नहीं जाता। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नींद में हमारा जिस्म सो रहा होता है, हमारा दिल बेदार होता है, दिल का जिक्र जारी होता है और दिल का कनेक्शन अल्लाह के साथ जुड़ा होता है। हमारे शेख हजरत मौलाना इस्माइल साहब वाली रहमतुल्लाह को कहा एक मरतबा मैसे पाया तो बड़ी अजीब बात कही कि हजरत मुफ्ती लालपुरी साहब और हजरत मौलाना अजमेरी साहब जो है बरतानी आए तो मेरे वालिद साहब अक्सर आगे बैठते थे सीट पर। हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं पीछे बैठा हुआ था सफर में,
तो मैंने हजरत के दिल की तरफ मुतवज्जे होकर देखा और सोचा कि देखूं हजरत क्या कर रहे हैं। दो ढाई घंटे का सफर हुआ, लेकिन यूं फरमाया कि एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से इनका दिल काफी नहीं। दिल को जाकिर बनाना ये बगैर लुकमाए हलाल के नहीं हो सकता। जो आया वो चमड़े पे थैले में डाल रहे हैं, ये मोमिन की शान नहीं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल अज़्ज़िमा में एक रिवायत पेश की है, फरमाते हैं सरकार के सामने खाना चुना जाता, रखा जाता, तो जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न लेते और मालूम न हो जाता कि ये क्या खाना है, वहां तक खाते नहीं। मबादा कोई अरबी चीज खाने में आ जाए। एक मरतबा दस्तरखान पर पनीर था, घी था, हुजूर ने पनीर खाया है, घी भी खाया है, मुर्गी का गोश्त भी इस्तेमाल फरमाया है, और गोश्त होती है जिसको हम लोग गोश्त कहते हैं, आरती में उसको गोश्त कहते हैं, भून का वो भी दस्तरखान पर रखी। दस्तरखान पर हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला वो भी बैठे हुए। अब वो भुना हुआ गोश्त सरकार खाने की कोशिश कर रहे थे, अंदर से खबर आई और हुजूर पूछ रहे हैं ये क्या गोश्त है, तो अंदर से बताया ये भुनी हुई गोह का गोश्त है। अरब में गोह खाते हैं, अभी भी बाजार लगते हैं, वहां बेची जाती है, इमाम का इख्तिलाफ रहा है, घोड़ों के गोश्त के बारे में भी इख्तिलाफ रहा है, हंसिया ना कहते हैं। तो सरकार ने बहुत अच्छा आदमी किया, नहीं खाया, वरना मेरी तबीयत इसके खाने से इबा करती है, इनकार करती है, इसलिए नहीं खाता हूं। तो इतना इंतजाम क्यों करते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का एक गुलाम था, उसने एक दिन खाना लाके पेश किया, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने खाया। खाने के बाद पूछा कि भाई तू ये तेरे पास इतने पैसे कैसे आए, तूने मुझे खाना खिलाया? तो कहा कि मैंने एक आदमी को एक जमाने दराज पहले कुछ नुजूम की बात बताई थी कि यूं होगा, और इत्तेफाक से ऐसा हो गया तो उसने मुझे हदिया दिया। उससे मैंने खाना तैयार किया और आपको खाना खिलाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रबीत सफर और हम सफर ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये क्या खिला दिया तुमने, ऐसी कमाई का खाना तो हुजूर ने माना फरमाया। हदीस के पास में दो बातें बयान फरमाई, मन आता कुहान फकद आता अगल खाकी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपना भविष्य बताने के लिए किसी नुजूमे के पास बैठ गया, उसने बोया मेरी लाई हुई शरीयत का नाकली की है और मेरी नाफरमानी की। क्यों? इस बिना पर शरीयत मुकद्दसा में तकदीर पर भरोसा कि तकदीर जो भी है अल्लाह की तरफ से है, खैर हो या शर हो सब अल्लाह की तरफ से होता है,
और कोई तकदीर को न बदल सकता है न टाल सकता है। तो जाहिरी बात है कि नुजूमी के पास बैठेंगे तो वो तकदीर की बातें करेगा। तकदीर नुजूमी जो है आइंदा की कोई बात बता तो सकता है लेकिन कोई मुस्तकबिल बदल पड़ सकता है, वो तो अल्लाह के अख्तियार में। मेरे वालिद साहब सफर कर रहे थे पानी के जहाज में, तो एक जगह अनाउंसमेंट हुआ कि भाई जहाज अभी थोड़ी देर के लिए यहीं ठहरेगा, आगे नहीं जाएगा। क्या वजह? तो कहा आगे तूफान है, इस बिना पर हमको यहां रुकना पड़ेगा। तो मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि मैं कप्तान के पास गया और जाकर मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आगे एक तूफान है, पर मैं मेरे पास ये रडार है वो बता रहा है। तो मेरे वालिद साहब ने उससे सवाल किया कि ये मशीन ने बताया आप रुक गए, लेकिन अगर तूफान यहां हो जाए तो आपके रडार का क्या फायदा है? तो कप्तान ने जवाब दिया, कप्तान ने कहा कि ये रडार जो है वो तूफान और हालात को बता तो सकता है लेकिन आपको बचा नहीं सकता, बचाने वाली जात तो अल्लाह है, करने वाले तो अल्लाह है। तो तकदीर जब कोई बदल नहीं सकता तो उसको बताने की जरूरत क्या है? इसलिए ईमान मुफस्सल के अंदर यह बात बताई, वल कदर खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला, कि भली और बुरी तकदीर सब अल्लाह की तरफ से होती है और वो जो चाहता है वही होता है। फिर आमतौर पर अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले को हुक्म दिया, हमने तुमको पाकीज़ा रोजी और पाकीज़ा खाने की चीजें दी है वो खाओ, बचपन चीजें मत खाओ। पाकीज़ा खाना खाने से इंसान में नूर पैदा होता है और वो नूर जो है इंसान को इबादतों के नूर की तरफ ले जाता है, फिर जिक्रुल्लाह में दिल भी लगता है, फिर इबादत में दिल भी लगता है। मौजूदा जमाने में लोग मस्जिद में आते हैं दिल उचाट है और नमाज पढ़कर थकते हैं, अखीर में आना सबसे पहले पास जाना, इतना दिल उचाट क्यों है? इस बिना पर के कमाई के अंदर कोई शर्त है। हकीमुल उम्मत हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देवबंद में एक गरीब आदमी थे, वो साल में एक मरतबा जो है वो तमाम ओलामा की दावत करते, लेकिन दावत के अंदर कोई पेट भर के खाना नहीं होता था, एक लुकमा दो लुकमा चावल का मिलता था, लेकिन तमाम उलमा मुंतजिर रहते थे कि कब हमको दावत मिलेगी, अब्दुल्ला खान की दावत कब होगी, इसका इंतजार रहता था। कोई यूं कहे कि मौलवी तो मुंतजिर रहता है दावत का, तो कोई फुर्सत से नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि इनको तो जहां बोलते मिलते हैं वहां ये दौड़ जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं दिल्ली के होटल में आपका कमरा बुक करवाता हूं और वहां का मशहूर मुर्गा आपको खाने की दावत देता हूं, जाने आने का टिकट देता हूं, बस वहां खाना है आके वापस आ जाना है। जब उसका टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने कहा हम पारी
आपके पास टाइम नहीं है तो उलमा के लिए ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। पहले जमाने में तकरीरें होती थी तो तकरीर के बाद जो है तकरीर से पहले लोग पूछते थे कि शीरिनी क्या मिलेगी, शीरिनी क्या तकसीम करेंगे। तो पहले जमाने में नान कटाई होती थी, बड़े बड़े कैप होते थे, अब तो सबकी साइजें कम हो गई, वो खिलाए जाते थे और लोग बहुत शौक से बैठे रहते थे। लेकिन आज अल्लाह ने माली एतबार से ऐसी फरावानी अता फरमाई कि अब ऐलान करना पड़ता है कि बैठो, इंतजाम किया है लेकिन बैठने के लिए कोई तैयारी नहीं। अरे तुम्हारे लिए मीठा बनाया है, तुम्हारे लिए गर्म बनाया है, लेकिन ये बैठने के लिए आओ में नहीं रहो। अब वो इंतजार कर रहे हैं तो किसी ने पूछा कि हजरत ऐसा इंतजार उलमा करते हैं उनके दो लौटने के लिए क्यों। वजह बयान की कि उसकी कमाई बड़ी पाकिजा है, वो जंगल से घास काट कर लाते हैं, बाजार में बेचते हैं, एक पैसा जमा करते हैं, एक पैसा खर्च करते हैं, एक पैसा घर वालों को देते हैं। वो जो पैसा पैसा करके जमा होता है साल भर में, तो फिर दावत उलमा की करते हैं और उलमा की दावत इस शान के साथ करते हैं कि पावर की तहज्जुद गुजारे, उसको वुजू कराते हैं और निहायत पाकीजा पानी के अंदर चावल धोए जाते हैं और निहायत पाकीजा तरीके से पकाए जाते हैं, फिर दस्तरखान के ऊपर उनको चुन दिया जाता है, उलमा खाते। नतीजा क्या निकलता है? कहते हैं नतीजा ये निकलता है कि खाने के बाद इसका नूर जो है वो महसूस होता है और महसूस का आलम यह है कि इबादत का जज्बा बढ़ जाता है, जिक्रुल्लाह का जज्बा बढ़ जाता है, तिलावत कुरान का जज्बा बढ़ जाता है, सब जज्बे बढ़ते ही बढ़ते चले जाते हैं। यूं आमतौर पर आदमी का जज्बा इबादत के लिए उठता नहीं है, जिक्रुल्लाह के लिए उठता नहीं है, पाकिले नाकाता या जो रूटीन का है इतना करके आदमी बैठा रहता है। लेकिन वो खाना खा लेने के बाद अंदर से जज्बा पैदा होता है कि नहीं और दो नफिल पढ़ लूं, और दो रकातें पढ़ लूं, और दो रकातें। तो पाकीज़ा और हलाल रोजी से ये काम होता है। तो रसूलों को कहा गया, हालांकि रसूलों का मकाम कितना आलीशान है। दूसरा कमाल नबी का ये है, मेरा और आपका था ये परेशान ख्याली हो सकता है लेकिन नबी नींद में हाथ देख रहा हो तो वही होगी, वही की शक्ल हो सकती है। और कोई वली देखे था, कोई बुजुर्ग देखे था, कोई अल्लाह वाला देखे था, इस पर शरीयत की बिल्डिंग पेंट नहीं हो सकती, लेकिन नबी खाब देखे तो उस पर शरीयत की तामीर हो सकती। इतना ऊंचा मकाम है लेकिन फिर भी पाकीज़ा रोजी और रिश्ते हलाल कमाने के लिए कहा, लेकिन इसका नंबर दूसरा रखा। पहले फरमाया इबादतों का नंबर है, पहले फरमाया नमाज का नंबर है, ये पांच वक्त की जो नमाजें हैं ये पहला परिंदा है और ये परिंदे के बाद दूसरा परिंदा हलाल कमाई का है। हलाल कमाई पर सरकार ने इशारा करवाए हैं और लोगों को कस्बे तकीब की दावत दी है कि कमाओ, मेहनत करो, हलाल रोजी खाओ, क्योंकि हलाल रोजी के जरिए से जो अनुवार पैदा होंगे उसका असर इबादत पर पड़ेगा। एक बात याद आ गई, क्या आज हमारी इबादत में जान क्यों नहीं है?
बेजान इबादतें क्यों हैं, क्या वजह है? तो हमारे मुफ्ती लालपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा, वो बयान नहीं करते थे लेकिन बहुत इकरार था तो कभी कभी बयान करते थे, उसमें बयान फर्ज है। दो बयान मुझे याद है हजरत के, उनमें से एक बयान थे मिसाल बयान फरमाई। मिसाल ये बयान फरमाई कि चंद लोग एक मुफ्ती साहब के पास आए, उनको एक मसला पूछना है। उन्होंने मसला पूछा कि अगर हमारे यहां कुआं है, वो कुएं के अंदर एक चूहा गिर गया है और मर गया है और मर गया है और कूद गया है, अब क्या करें? ये पानी को पाक करने का तरीका क्या है? तो मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, पानी खाली करना पड़ेगा, पूरा कुआं खाली करना पड़ेगा, पंप लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के वो पानी जो नया आएगा वो पाक होगा। उन्होंने ऐसा कर दिया। फिर आए मुफ्ती साहब के पास, अगर हमने सब पानी निकाल दिया, अब हमारा कुआं पाक हुआ कि नहीं, दीवारें पाक हुई कि नहीं, कुएं की तमाम चीजें पाक हुई कि नहीं? तो मुफ्ती साहब ने सवाल किया कि वो जो मरा हुआ कुआं था वो निकाला कि नहीं? कहने वो भूल गए। हजरत मुफ्ती साहब ने कहा, तुम बड़ी अकलमंदी की बातें करते हो, इतना कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर नहीं है कि जिस चीज की वजह से ये नापाकी पैदा हुई और पानी खराब हुआ उसको पहले निकालना चाहिए और बाद में दूसरी चीजें आती हैं, तो अल्लाह के बंदे वो तो निकाला है तुमने। जैसे कुएं में जब तक चूहा मरा रहेगा जितना भी पानी आएगा वो नापाक हो जाएगा और नजीस हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह दिल के निगार खाने में जब तक कीना कपट असर क्रोध अदावत तकब्बुर के चूहे मरे हुए रहेंगे, इबादत के अंदर कोई जान पैदा हो ही नहीं सकती, जो निकलेगा सब गंदा हो। इसलिए अहलुल्लाह जो है सबसे पहले दिल पर मेहनत करते हैं और दिल को दिल बनाने की मेहनत करते हैं और कहते हैं इसको कंट्रोल में लाओ। दिल जो है वो सुल्तान है और दिल जो है वो हाकिम है और दिल जो है वो बादशाह है। जब इसका ठिकाना हो गया तो बाकी तमाम रियाया जो है वो ठिकाने के साथ रहेगी और दिल जो बिगड़ा तो फिर तमाम चीजों में बिगाड़ आ जाएगा। इसलिए अब्दुल्ला भी आम दिलों को जिंदा करने के लिए जिंदगी देने वाला ऑक्सीजन जो है वो जिक्रुल्लाह कर दिया जाए। जिक्रुल्लाह के जरिए से दिल जिंदा होते हैं। चुनांचे हदीस शरीफ में फरमाया कि जिक्र करने वाला ऐसा समझ लो जैसे जिंदा है और जिक्र न करने वाला और अल्लाह को याद न करने वाला ऐसा है जैसे कि कोई मुर्दा लाश हो। इसलिए जिन घरों में अल्लाह का जिक्र नहीं होता और जिन घरों में नमाजें नहीं पढ़ी जाती, सरकार ने ऐसे मकानात को कब्रिस्तान के साथ तामीर किया कि ये मकान रहने के मकान नहीं है, कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में मुर्दा न जिक्र कर सकता है और न वो नमाज पढ़ सकता है। जाहिरी बात है कि कर सकने के बावजूद घर में न करना कि घर को कब्रिस्तान में तब्दील करना। इसलिए कुछ रकातें घर में भी पढ़नी चाहिए, नवाफिल भी पढ़नी चाहिए। मौजूदा दौर में नवाफिल का तो रिवाज ही खत्म हो गया, लोग सिर्फ फराइज पर इत्तेफाक करते हैं, सुनन भी नहीं पढ़ते। जुमा को आप देख लीजिए, जुमा की नमाज खत्म होने के बाद 70% मजमा जो है जैसे ही नमाज खत्म होती है दुआ खत्म होती है बाहर निकल जाता है, जबकि अभी सुन्नतें मौजूद हैं बाकी हैं और अभी जो है नवाफिल बाकी है और अभी बैठकर जमकर दुआ करने का टाइम बाकी है, लेकिन
बाहर खड़ा रहेगा घंटों के घंटों, लेकिन मस्जिद में नहीं खड़ा रहता। मस्जिद में अल्लाह के सामने खड़े रहना मुश्किल है, और दोस्तों के साथ जो है बैठे रहना और बातें करना और गपशप करने के लिए अपना वक्त जाया करता है। ये हाल रमजान में भी देखा कि रमजान में जहां जल की तरावी हो रही है वहां बजमा ज्यादा हो जाएगा, और जहां इत्मीनान से पढ़ते हैं वहां बजमा छट जाएगा। और ये जल्दी जो मजमा नमाज पढ़ के बाहर निकलता है वो मस्जिद के बाहर ही एक खरगोश और गुप्त शरीफ में मशरूफ होता है, और अल्लाह के घर में नमाज के लिए खड़ा होना उसके लिए दुश्वार है। ये सब चीजें अंदर के ईमान की कमजोरियां हैं, ये कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। और हम लोग हालात का रोना रोते हैं कि हालात खराब हो रहे हैं, हालात संगीन हो रहे हैं। हालात को संगीन हमने किया है, कुरान करीम ने ऐलान किया है इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलते जो खुद अपनी हालत बदलने का फैसला नहीं। तो हालात बदलेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और आदमी खुद ब खुद नहीं बदलता। जो बदलते इसके दिलों को, जो बदलते इसके माहौल को, ऐसा बदलने वाला माहौल ढूंढना पड़ेगा, ऐसे अल्लाह वालों की मजालिस तलाश करनी पड़ेगी, जिक्रुल्लाह करना पड़ेगा, और दिलों में जो जंग जम गया है ये जंग को निकालना पड़ेगा। अभी से पास में फरमाया कि हर चीज को जंग लग जाता है, और हमारे ईमान को भी और हमारे दिल को भी ये दुनिया के चक्कर काटने से जंग लगता है, और ये जंग को दूर करने का रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का जिक्र है। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं لَتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے, اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس لیے کوئی ٹائم ملے, جو موقع ملے ذکر اللہ کا, اللہ کے یاد کرنے کا, اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ सरकार जायजा लेते हैं, चुनांचे एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। अब सरकार का गुजरा तो साथ ही है मस्जिद के, बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद मस्जिद में नजर डाली कि क्या हो रहा है मस्जिद में, तो देखा कि दो हलके लगे हुए हैं। एक हलके वालों से पूछा तुम क्या कर रहे हो, कहा कि हम जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की याद कर रहे हैं, जिक्र का हलका लगाए। सरकार ने फरमाया बड़े अच्छे लोग, इतना शिमला सरकार का काम किया, सरकार ने फरमाया बड़े अच्छे लोग हो, अल्लाह की याद कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। जाकिरीन की बड़ी तारीफें कुरान करीम के अंदर आई, और जिक्र कौन सी चीज नहीं करती, दुनिया की हर चीज जिक्र करती है। कोई दुनिया की चीज ऐसी नहीं है जो जिक्रुल्लाह में लगी हुई ना हो। इतनी बात है कि हमको उनके जिक्रुल्लाह का पता नहीं चलता, वरना पानी जब तक बहता रहता है वो जिक्रुल्लाह में होता है, जब रुक जाता है तो उसका जिक्र भी रुक जाता है। कपड़ा जब तक साफ सुथरा है जिक्रुल्लाह कर रहा है, जब मैला होता है इसका जिक्र खत्म हो जाता है, तो उतार देने के काबिल होता है, बदल देने के काबिल। दरख्त भी जिक्र करते हैं, परिंदे भी जिक्र करते हैं, हैवानात भी जिक्र करते हैं, ये सब अल्लाह की याद में लगे हुए हैं।
जब इंसान को अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए पैदा किया है कि वो अल्लाह की याद करने वाला बने, अल्लाह का जिक्र करने वाला बने, और फरमाया माल के पीछे दौड़ना नहीं है, कसुल हलाल फरीजतन बादल फरीजा, ये फरमाया है कि पहले इबादत पर तवज्जो दे। और नमाज क्या है? नमाज जिक्र ही जिक्र है। चुनांचे कुरान करीम ने फरमाया वअक्मि सलाता लिज़िक्री, और नमाज को कायम कीजिए मेरी याद के लिए। मालूम हुआ कि नमाज जो है ये सलाता जिक्र है, अल्लाह अकबर जिक्र नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र नहीं, कुरान जिक्र नहीं, कुरान करीम का तो नाम ही जिक्र है। और नमाज अकल से पढ़ी जाती है तिलावत कुरान के लिए, और नमाज पढ़ी जाती है जिक्र यानी कुरान करीम के लिए। असल मकसूद इसमें कुरान करीम है, बाकी तमाम चीजें वो आदाब शाही बजा लाने के तरीके हैं। इसलिए फजर की नमाज के लिए करना अक्म सलातुनुकी शम्सि इला वसतिल लैल व कुरआनल फज्र, इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा। सुबह की नमाज को कुरआनल फज्र का, इसलिए फजर के अंदर आपने देखा कि तिलावत तवील होती है और शांत माहौल होता है, तो पढ़ने वाले का भी दिल लगता है और सुनने वाले का भी दिल लगता है। तो असल नमाज का मकसद कुरान है, और कुरान करीम जो है उसको अल्लाह ने जिक्र के साथ तामीर किया है। देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जिक्र हमने उतारा। इसलिए उलमा ने लिखा कि कोई दिन भर में कोई जिक्र नहीं कर पाया, रात में कोई जिक्र नहीं कर पाया, तो नमाजों का एहतमाम करे और नवाफिल तक पढ़ ले। नतीजा ये होगा कि कुछ ना कुछ कुरान तो इससे पढ़ लेगा, जिक्र हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला मौका दे तो दिन के अंदर तिलावत जरूर करे। तिलावत से दिलों को इस बहलाल खत्म होने के साथ ताजगियां अर्जी होती है, जिस दिल के लिए इत्मीनान पहुंचाने वाली चीज वो जिक्रुल्लाह। न दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। जितना अल्लाह की याद होगी, जितना अल्लाह का जिक्र होगा, पहले जबानों को जाकिर बना, और मैं तो कहता हूं गफलत के साथ भी जिक्र हो जाए तो भी बेकार नहीं है। एक दिन ये गफलत वाला जिक्र बेदारी वाले जिक्र पर ले जाकर खड़ा कर देगा। करता रहे याद अल्लाह को, जिक्र में लगा रहे, फजूल देखा ना रहे, अपने औकात को जाया ना करे। जो लम्हा मिल जाए, जो मौका मिल जाए, उसको गनीमत समझे और अल्लाह की याद। मुमिन का काम है जिक्र कसीर। चुनांचे ईमान वाले मर्दों की और औरतों की जो सिफात बयान फरमाई वो ये है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन मज़ाकिरात अअ्ताल्लाहु लहुम अजरन करीमा। अल्लाह ने कसरत से जिक्र करने वालों के लिए बेहतरीन अजर का वादा फरमाया है, अजरे करीम का वादा किया है, अजरे अजीम का वादा किया है। तो ये मजलिस का खुलासा ही क्योंकि जिक्र है, और अल्लाह यही फरमाते हैं
कि दिलों को आज जो बेकरारियां है और जो बेचैनियां है उसकी वजह यह है कि दिल को जो टॉनिक मिलना चाहिए और दिल को जो दवाई मिलनी चाहिए वो दवाई दिल नहीं मिलती, वो गिजाए दिल नहीं मिलती, तो दिल बीमार हो जाते हैं। दिल को सेहत मिलेगी, दिल को गिजा मिलेगी अल्लाह के जिक्र से। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम कितनी भी मेहनत कर लो। अब दुनिया में ऐसे लोग हैं, कोई तफरी करता है, कोई जिप्पी बन गया है, कोई बत्ते ले लेके चल रहा है, कोई अंधेरे मुंह पैदल चल रहा है, सबको सुकून की तलाश है, लेकिन सुकून जहां रखा है वहां ढूंढते नहीं है और जहां नहीं है वहां तलाश करते हैं, तो कहां से मिलेगा? मादों में कुछ नहीं रखा है, सामान में कुछ नहीं रखा है, दौलतों में कुछ नहीं रखा है, सबसे बड़ी चीज है सुकून है पल और इत्मीनान, वो अल्लाह ने अपनी याद में रखा है। बस आज की बात इसी पर खत्म करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको जाकिराना और शाकिराना अल्लाह की यादों वाली जिंदगी नसीब फरमाए। वास्ते रोजा हुआ जाना है अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन। और से थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह चंद लम्हों के लिए मुराकबा करेंगे और उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। और तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। और तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो Thank you.
اللہ کے دھیان میں اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے اور صرف تصور کرنے کا نام ہے اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے دلوں میں اتر رہی ہے اور سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 All right.
ہوئی ہے عمر مثلے برف دم رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم ایک دن مرنا گیا میر پاس نے کرنے جو کرنا گیا میری موت ہے جب مراقبہ کر رہے ہیں وہاں پہ یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا میں نے آنکھیں بند کر لی لیکن ایک دن ایسا آئے گا نہ آنکھوں پر نہ جسم پر کسی چیز پر میرا اختیار نہیں رہے گا عبادت والی بنا دے انعامت والی بنا دے اللہ تیری رضا ہے
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اور سفید میں قبول اور منظور فرما. سبحان رب کی طرف سے عزت ہم یقین سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. www.attableek.com, the reviver of the